क्या चाहिए आप लोगों को? पिंक चाकू। चाकू तो भगवान जी से पिंक चाकू मांग लो। देख रहे हैं मुझे चोट लग गई है, बहुत को पता नहीं क्या हो गया है, तो कंचन जा रही है इसके लिए व्रत रखने। बस इसी के लिए नहीं रख रही हूँ, पूरे आपके लिए रख रही हूँ। अच्छा, मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ, देखिए अगर मेरे में जितनी भी गड़बड़ी होगी ना, अब सही हो जाएगी और भी सही हो जाएगा। अगर औरत फास्ट रखती है तो आदमी को क्या करना चाहिए? मैं अपने हरितालिका व्रत, हरितालिका तीज व्रत की शुरुआत करने जा रही हूँ अभी से। ये रात है, 12 बजने से पहले का टाइम है, और मुझे उसके पहले मीठा खाना है, खीरा खाना है, उसके बाद ब्रश करना है और फिर पानी पी के सो जाना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं पानी पीऊँगी वो परसों होगा, परसों की सुबह। आप भी खा सकते हैं। ओके। खीरा खा सकते हैं, चॉकलेट मत खाइएगा। आपकी सेहत का ख्याल रख रही हूँ। समी, what's up? Good morning. Naughty boy. Samir, naughty boy. Samir, naughty boy. अरे ये क्या हो गया? Samir, naughty boy. अच्छा, समीर ड्रामा बाज है और नाटी बॉय है। सुबह हो गई है और मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ। मुझे लैब भी जाना है और फास्ट भी रखना है, और अभी लैब जाने के पहले जस्ट मुझे थोड़ा सा भगवान जी को जल चढ़ाना है। अभी मैं दौड़ के आया हूँ, कंचन जॉब पे जा रही है और कंचन का आज फास्ट है, और कंचन एक ही फास्ट रखती है, वो है तीज का। और लकी मैन, एक एक हम लोग का सबसे मेमोरेबल तीज का फेस्टिवल है। हाँ, अकाडिया में हम लोगों ने किया था। एक कनाडा के पास में अमेरिका में एक बहुत बड़ा फेमस अकाडिया नेशनल पार्क है, वहाँ पे हम लोग कैंपिंग करने गए थे 3-4 दिन के लिए, और कैंप साइट में तीज, उस टाइम पे तीज पड़ा। रात में पहले पूजा किए थे, फिर मॉर्निंग में जो पूजा होती है उसको वहाँ पे किए थे, और फिर चाय वाय पी के सब कुछ करके चना वना वहीं पे बॉयल किया था। और एकदम समुंदर के किनारे कैंप था, टाइड आ रही थी, तो जब समुंदर के किनारे लड़ रही थी पत्थरों से तो बहुत आवाज़ होती थी। वहाँ पे पूजा किया तीज का, इस लाइक बहुत मेमोरेबल है। और द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ कि फास्ट रखे हो और आप 10-10 माइल 15 माइल हाइक कर रहे हो, घूम रहे हो, कुछ नहीं पीना खाना है। बहुत खाना तो छोड़ दो, पानी भी नहीं पीना था। तो इस वाज लाइक रियली ऑसम एक्सपीरियंस। और हमारी टीम खिड़की से बात भी नहीं करने दे रही है, चिल्ला रहे हैं। आ रहा हूँ, मम्मी को जाने दो। ये देखो, मैं जा रहा हूँ कार को पुश करने, मैं धक्का दूँ कार को। मुझे लैब भी जाना है, वो तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो लैब का काम भी करना है और सारा दिन का फास्ट भी रखना है। तो ये जस्ट ऐसे ही बताना चाहूँगी कि मैंने, जब मैं क्लास 8th में थी तब से मैंने ये फास्ट रखना स्टार्ट किया है, और अभी तक एक बार भी मिस नहीं किया है किसी भी वजह से। जब मैंने पहली बार रखा था तो किस लिए रखा था, मम्मा ने बोला था कि इसमें नए कपड़े हर साल मिला करेंगे। घर में भी सब लोग ये व्रत हैं आज, मम्मी, मेरी बहनें और मेरी मौसियाँ, बुआ, सब लोग। तो वहाँ पे जब रहते थे तब तो बहुत मज़ा आता था, क्योंकि इसमें मम्मी लोग जाती थी गंगा जी नहाने। 2 साल पहले के तीज में मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लास वेगस गई थी, और वहाँ पे तीज पड़ी थी। जिस दिन मेरा ओरल टॉक था उसी दिन तीज थी, तो सुबह से मैं कुछ बात नहीं कर रही थी। मेरी बॉस ने बोला क्या हो गया तुम्हारी तबीयत, तबीयत तो ठीक है, तो मैंने बोला हाँ आज मेरा फास्टिंग है बिना वाटर का, तो मैं अपनी एनर्जी कंजर्व कर रही हूँ। और उस दिन
पूजा के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं था, तो मार्केट जाके नई ड्रेस खरीदा, पूजा का सामान खरीदा और उसके बाद स्काइप कॉल करके हम लोगों ने पूजा की थी। तो आज लैब में मेरा मेन काम है कुछ चूहों को सैक्रिफाइस करना और उनके ऑर्गन्स को इकट्ठा करना, उसके बाद एक दो मीटिंग्स हैं और फिर जस्ट घर चले जाना। बट काम तो काम है, और फास्ट के दिन मुझे सैक्रिफाइस करना है, मतलब चूहों को मारना है। ये बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट उसी की तैयारी कर रही हूँ। एनिमल फैसिलिटी में आ गई हूँ और यहाँ पे मुझे अपने एनिमल्स को लेके जाना है जिनको हम लोग मारने वाले हैं आज। कातिलाना दिन। सो फाइनली 5 महीनों बाद हम लोगों की ये पूरी रैक खाली हो गई। इसमें के सारे एनिमल हम लोगों ने ख़त्म कर दिए। सिर्फ 3 बचे थे जिनको आज मैं लेके जा रही हूँ, और अब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म। सो चूहों को मारने का काम स्टार्ट कर दिया है, उनको एक इस डब्बे में रख दिया है और इस पाइप से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जा रही है जो कि उनको 1.5 मिनट में खलास कर देगी। सारा मेरा काम ख़त्म हो गया है और इसके बाद अब मैं घर जा रही हूँ। घर जा के अभी मुझे शाम की पूजा की तैयारी करनी है, थोड़ा कपड़े वगैरह तैयार करने हैं। एक बार नज़रें फेर लीजिए। समा समी पूजा करो, पूजा क्या चाहिए आप लोगों को? पिंक चॉकलेट। चाकू तो भगवान जी से पिंक चाकू मांग लो, बोल दो गॉड प्लीज गिव मी पिंक चॉकलेट। हेलो चॉकलेट प्लीज। स्टैंड अप। हां चलो। मैं विद एप्पल। यस तुम्हें क्या चाहिए बेबी? ओह नो No, it's not happy birthday. अच्छा आप लोग को क्या चाहिए? क्या चाहिए? तब भगवान जी का आप पैर छू लो और उसके बाद खाओ करो। हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ो। नमस्ते। समझ जोड़ के मांग लो। ये नहीं, जो खाना है वो ले लो, ये इसको ले लो चौको। अब भगवान जी को देखो, समीर खा रहा है। यम्मी समीर, ले लो। फाइनली पूजा खत्म हो गई है, लेकिन पूजा ख़त्म हुई है, व्रत नहीं ख़त्म हुआ है। ये सुबह ख़त्म होगा और उसके बाद सुबह उठ के पूजा करके उसके बाद मैं कुछ पानी पीऊँगी तब जाके ख़त्म होगा। तो 36 आवर्स। यस निरंजन। निरंजन क्यों गुस्सा हो? ये व्रत समर समीर के पापा और समर समीर के पापा के पापा सबकी खुशहाली के लिए और लंबी उम्र के लिए। हाँ मैंने टच कर दिया ना यहाँ पे, तो बिग गुस्सा हो गया है। तो अभी मेरा फाइनल व्रत ख़त्म हो गया है और सुबह उठ के नहा के पूजा किया मैंने, और उसके बाद में चने से और बर्फ़ी से व्रत तोड़ा। इतना अच्छा लगा पानी पी के। जब हम लोग एक दिन दो दिन पानी नहीं मिलता उसके बाद मिलता है, तभी अहमियत पता चलती है इतना कीमती है पानी हमारे लिए, जीवन के लिए। तो फाइनली अब व्रत ख़त्म हो गया है और अभी इसके पारण के लिए कढ़ी चावल पूड़ी और चने की सब्जी बनाना है और उसको भगवान जी को चढ़ा के उसके बाद जब खाएंगे तब फिर सारा कुछ होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए। नमस्कार।